बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंगडीह से हो रही धड़ल्ले से अवैध कोयला की ढुलाई। बिना रोक टोक के चल रहा है उक्त अवैध कोयला की ढुलाई। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंगडीह रेलवे साइडिंग तथा जारंगडीह कांटा घर और जारंगडीह खुली खदान से नित्य दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक चल रहा है अवैध कोयला ढुलाई का कार्य। जारंगडीह कांटा घर में ट्रकों से नित्य दिन दर्जनों युवाओं द्वारा कोयला वाहनों से निडरता के साथ उतारा जाता है, जो तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है। बता दें चले कि चलती ट्रक पर जान जोखिम में डालकर कई युवक ट्रक वाहनों पर चढ़कर कोयला उतार लेते हैं, जिससे बाइकों के माध्यम से ढोते हैं। विडंबना ये देखने को मिलती है कि जारंगडीह कांटा घर से ट्रकों से उतारा हुआ कोयला को मोटरसाइकिल के माध्यम से जारंगडीह परियोजना पदाधिकारी के आवास के समक्ष मुख्य सड़क से ही कोयला की ढुलाई की जाती है। वहीं खान प्रबंधक बाल गोविंद से पूछे जाने पर क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। कल रात की क्या घटना है सर? कल दिनांक 2/2/24 को लगभग 8:30 बजे रात मैं फील्ड डोजर ऑपरेटर लेकर के साइडिंग क्रशर चेकपोस्ट के पास आगे रास्ता बनवाने गया था। होता यह है कि चोर रात दिन की संख्या में, दिन में भी 20 संख्या में रहता है, चढ़ती गाड़ी में कोयला उतार करके पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था, जिससे मेरा ट्रांसपोर्टिंग जो वाहन है क्रशर पर नहीं जा रहा था। तो मैं फील्ड डोजर लेकर रास्ता बनवाने गया था। मैं जो ही वहाँ गया 25-30 संख्या में चोर था, गाड़ी गलौज मारपीट उतारू हो गया। मेरे ऑपरेटर के साथ भी गाली गलौज करने लगा, नहीं करने दिया, तो मैं पुनः वापस डोजर लेके अपना पुलिस ऑफिस चलाया। इस बीच मेरा उसमें दो सिक्योरिटी गार्ड भी थे, उन लोग की मारपीट करने के लिए उन लोग उतावर हो गया। पुनः इसके बाद मेरा सिक्योरिटी इंस्पेक्टर उमा शंकर आता है, तो उसके साथ भी मारपीट करने लगा और पत्थर उत्थर चला दिया। गाड़ी गलौज की बोरा में मार करके, बोरा में मार के भर के भेज देंगे। कोयला चोरों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, कोयला चोरों का मनोबल कि नंगा नाच है, कोई भी देख सकता है। दिन के उजाले में 20 बैठा रहता है 12 बजे दिन में भी, और कोयला उतारता है चढ़ती गाड़ी से। तो इसके बाद जब वहाँ शंकर के साथ ऐसी घटना हुई, तो उन्होंने फिर अपना बेटा को आवाज़ लगाया, कॉलोनी से 25-30 लड़के आए तो, और चोर को खदेड़ के भगाया गया। तो पुनः मैं व्हील डोजर लेके गया, इस बीच थाना वाला भी आया, बोकारो थाना थाना, और फिर उसको रास्ता बनवाए। ये स्थिति यहाँ नंगा नाच हो रहा है, तो ये तो हमारा जब तक पुलिस प्रशासन टाइट हो जाए तो कल चोरी बंद हो जाए, खेतकों का मंडी बंद हो जाए तो कल चोरी बंद हो जाएगी। पुलिस कप्तान से मेरा आग्रह है बोकारो जिला, इस नगा नाच को बंद कराया जाए सर।